ये पावर ट्रक का ब्रेक पैनल का बूस और इसका जो शाफ्ट है उसका काम हुआ था, ठीक है, लेथ के ऊपर। और ये देख सकते हैं पावर ट्रक आपको दिखाई भी दे रहा होगा वीडियो में क्लीन, ये पावर ट्रक खड़ा है, लगा हुआ है। और इसी का ये देख सकते हैं सारा पार्ट्स खुला हुआ, ब्रेक पैनल, फुट पैनल, ठीक। तो कभी भी हम वीडियो में बताते हैं कि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। टाइम टाइम पे आप मेंटेनेंस देंगे हर चीज़ का, हर पार्ट्स का, तो उसका सर्विस ज़्यादा होगा, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्विस देगा, ठीक है। और अगर आप सर्विस में कोताही करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो ज़्यादा दिन तक सर्विस नहीं दे पाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। जैसे कि ये ब्रेक पैंडल का बूस कटा हुआ था, इसका शाफ्ट कटा हुआ था, ये क्यों कटा हुआ था, कभी भी इसका खोल कर सफाई होता नहीं है। और दूसरा नंबर चीज़ कि इसका नेपुल पॉइंट जो दिया हुआ है कंपनी ने, जिस जिस पॉइंट में नेपुल लगाया है वो क्यों लगाया है, उससे ग्रीसिंग करने के लिए, ठीक है। और समय समय पर आप इसका ग्रीसिंग नहीं करेंगे, या तो क्लच पैंडल हो, या ब्रेक पैंडल हो, या आपका सेंटर पिन हो, या आपका फ्रंट एक्सल हो, स्पैंडल हो, ठीक। तो जब तक आप ये सब मेंटेनेंस नहीं करेंगे टाइम टाइम पे, सर्विसिंग, ग्रीसिंग, जो जो पॉइंट पर कंपनी ने ग्रीसिंग का पॉइंट दिया है, तो आपका ये सर्विस लॉन्ग टाइम तक नहीं दे पाएगा। जब तक आप इसको टाइम पे सर्विस नहीं देंगे, जब तक ये लॉन्ग टाइम तक सर्विस भी नहीं देगा, साफ क्लियर बात। और जब आप इसे टाइम टाइम पे सर्विसिंग देंगे, ग्रीसिंग देंगे हर एक पॉइंट पे, तो ये आपका ज़्यादा दिन तक सर्विस भी देगा और ये सॉफ्ट भी चलेगा। जैसे बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे पास में कॉमेंट आता है कि सर क्लच बहुत हार्ड है, ब्रेक पैंडल बहुत हार्ड है, या ब्रेक पैंडल को दबाते हैं तो दबाने के बाद वापस नहीं आता है, या क्लच पैंडल को दबाए उसके बाद ये वापस नहीं आता है, दबा हुआ रह जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, सबसे पहले सोचिए। तो जब आप नेपुल पॉइंट पे, जिस जिस पॉइंट पे नेपुल कंपनी ने दिया है, वो किसी काम के लिए ही दिया है, इसको समझिए आप लोग। तो टाइम टाइम पर सर्विस देंगे तो पहला फ़ायदा है कि आपका हर पार्ट सॉफ्ट काम करेगा, मुलायम काम करेगा, उतना ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। ब्रेक पैंडल दबाएंगे तो हल्का महसूस होगा, और उसका पैंडल जो कंप्लेन देते हैं कॉमेंट में कि जब पैंडल को दबाया तो वापस नहीं आया, क्या कारण होता है, यही सब प्रॉब्लम होता है। दूसरा फ़ायदा कि सर्विस भी ज़्यादा दिन तक देगा। अगर आप उसको टाइम टाइम पर ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, आपका सारा चीज़ हार्ड हो जाएगा, हार्ड वर्क करेगा, और उसके साथ साथ में इसका लास्टिंग यानी इसका आयु भी कम हो जाएगा, कम सर्विस देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटा सा मैसेज हमें देना आप लोग को ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है जिसमें यही कमेंट ज़्यादा है कि सर क्लच पैंडल को दबाते हैं तो वापस नहीं आता है, दबा हुआ रह जाता है, या ब्रेक पैंडल को दबाते हैं तो बहुत हार्ड दबता है, या तो फिर वो वापस नहीं आता है पैंडल। तो ये सब तरह तरह का जो कंप्लेन आता है या हमारे पास कॉमेंट आता है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये छोटा सा मैसेज मैं दे दूँ। तो इस ट्रैक्टर का भी यही हाल था, इसका पैंडल का बूस कटा हुआ था, और एक पैंडल जब दोनों को एडजस्ट करके रोड पे चलाते थे तो जब भी ब्रेक मारे तो एक पैंडल इधर और एक पैंडल इधर होता था, ठीक है, एक ही ब्रेक लगता था। उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। जब भी आप अगर रोड पे चलाएंगे तो क्या होगा, आप पैंडल को एक में एडजस्ट कर देंगे एक जॉइंट में, और ब्रेक जब एक बार लगाएंगे तो एक क्या होगा, पैंडल इधर आ जाएगा, जिससे आपका पैर से फिसल कर एक ही ब्रेक लगेगा, तो एक टायर तो जाम हो जाएगा, एक व्हील रुकेगा और एक व्हील फ्री रह जाएगा, जिससे ट्रैक्टर आपका घूम जाएगा, तो एक्सीडेंट ही होगा, खतरा भी है, ठीक है। तो इसका टाइम टाइम पर मेंटेनेंस और देखभाल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी का खोले हुए थे ब्रेक पैंडल, तो हमने सोचा कि एक वीडियो डाल देते हैं ताकि आप लोग को भी कमेंट आते ही रहता है, तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा तरह से ये कॉमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। और ये देखिए इसका जो हमने है ये काम भी करवाया है, ये बूस का नया बूस लगवाया, अभी इसको अच्छे से वाशिंग करना बाकी है और ग्रीसिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे ट्रैक्टर में, लेकिन इसके असेंबल करते समय हमने वीडियो सोचा कि बनाएंगे तो आप लोग को नज़र नहीं आएगा, तो बाहर में ही दिखा देते हैं इसका सेटिंग किस तरह से होता है। तो ये तो लगा हुआ है एक स्पेसर, ठीक है, ये एडजस्टर लगा हुआ है और इसमें चाबी रहता है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये चाबी भी सेट है। इसके बाद में ये लगेगा ये स्पेसर, उसके बाद में ये सील लगेगा इस तरह से, ये इस पर जाके बैठेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक ये स्पेसर फिर लगेगा, ये लगा कर, और इधर से जब बॉडी में लगाएंगे तो जब बॉडी में आएगा यहाँ तक, तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमें क्या लगाना होगा, फिर एक ये स्पेसर लगाएंगे, और इसमें एक बड़ा छोटा स्पेसर है, एक का होल छोटा है एक का बड़ा है, देखिए जैसे दिखा देते हैं, ये पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो इसे नहीं लगाना, ये बड़ा होल वाला सबसे पहले इसे लगा लेगा, यहाँ तक बॉडी का,
हाउसिंग का बॉडी का बूस आता है यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये सील लगाएंगे, ये लग जाएगा, या तो ये सील यहाँ भी बैठ जाता है, ये पैंडल जो है ना इसका हॉल में इसमें बैठ जाता है, दिखाते हैं अभी, इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। तो ये लग जाएगा, उसके बाद में ये चाबी इसका है, यहाँ देखिए ये चाबी है, ये चाबी को इसमें बैठा लेंगे। अभी तो नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमें निकालना है फिर, ठीक है। तो टाइट है इसलिए अभी हम इसे बाहर रहने देते हैं, बस बताने के लिए आप लोग को। चाबी लगा देंगे, उसके बाद में ये पैंडल को लगाएंगे यहाँ। इसका सारा बूस का काम हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइट भी हल्का रहेगा क्योंकि इसका साइज वाइज हुआ है, तो थोड़ा सा तो हल्का सा ही है, टाइट रहेगा। और अभी वाशिंग भी नहीं किए, धोए नहीं है इसको, ठीक है। धोएंगे साफ सफाई तब ये फिर अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक ये आ गया, चाबी के घाट तक यहाँ तक ये आएगा, ये इस तरह से बैठ गया ये पैंडल, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला छोटा वाला हॉल वाला ये स्पेसर को फिर से यहाँ लगाना है, ये लग गया। उसके बाद में ये दूसरा वाला ब्रेक पैंडल को इसमें इस तरह से सब में ग्रीस लगा कर, ठीक है। अभी बस दिखाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ग्रीस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डीन नीचे कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा। और इसको भी थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा इसे चोट दे देंगे, बैठ जाएगा जगह पर, ये बैठ गया ना पूरी तरह से। यहाँ देखिए ये स्पेसर, सील, फिर एक चाबी, फिर ये पैंडल, फिर स्पेसर, फिर यहाँ ये पैंडल, ठीक है। उसके बाद में इधर से देखिए ये वाला कैप, इस तरह से ये दिखाई देता है ना, यहाँ पे कैप, ये कैप लग गया। उसके बाद में ये स्पेसर यहाँ लग जाएगा, उसके बाद में सर क्लिप लॉक। तो ये इसका देख सकते हैं, ये पूरी तरह से इसका ये फिटिंग है, ये लगा हुआ है सिस्टम, उसके बाद ये स्पेसर, सील और ये स्पेसर इस एक साइड में, उसके बाद में यहाँ फिर स्पेसर, सील, फिर चाबी, फिर ये पैंडल, फिर स्पेसर, फिर पैंडल, फिर ये कैप और स्पेसर और ये सर क्लिप लॉक। तो ये पूरी तरह से पैंडल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग है, ठीक है। तो बॉडी में इसका हम सेटिंग करते हैं हाउसिंग में, तो इतना अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने सोचा कि इसे बाहर में ही सेटिंग इसका दिखा देते हैं। क्लीन दिखाई भी दिया और क्लियर आप लोग को कौन कौन से पार्ट्स हम लगाए ये भी दिखाई दिया, ठीक है। तो बस यही छोटा सा मैसेज आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से देना था, कि जो कमेंट करते हैं कि ब्रेक पैंडल बहुत हार्ड है, क्लच पैंडल बहुत हार्ड है, क्लच पैंडल दबा देते हैं तो वापस नहीं आता है, ब्रेक पैंडल दबा देते हैं तो ब्रेक लगा हुआ रह जाता है, ब्रेक जाम हो जाता है, तो यह सब सारा जो समस्या है उसका मेन जड़ है कि नेपुल ग्रीसिंग न करना। तो नेपुल ग्रीसिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, कंपनी ऐसी व्यर्थ में नहीं दिया है नेपुल पर, ठीक है। तो समय समय पे आप नेपुल ग्रीसिंग करें तो बहुत सारे परेशानी से आप बच पाएंगे। सबसे पहला तो परेशानी से बचेंगे आपकी, आपका जो भी पार्ट्स है ब्रेक पैंडल या क्लच पैंडल वो सॉफ्ट काम करेगा। दूसरा फायदा है कि आपका ब्रेक कहीं का पकड़ेगा नहीं, कुछ भी ये भी होता है समस्या कभी कभी कि ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बूस में डस्ट मिट्टी जम जाता है जिसके कारण से पैंडल दबाया और दबा हुआ ही रह गया, तो एक साइड का ब्रेक भी पकड़ के रख लिया। स्प्रिंग का तो उतना टेंपर है नहीं कि उतना टानेगा, आपने तो पैर से दबा दिया टाइट है फिर भी, लेकिन स्प्रिंग नहीं वापस ले पाता है, तो होता है कि आपका ब्रेक एक साइड का पकड़ के रह जाता है। दूसरा कि आपका यह सर्विस कम दे पाता है। तीसरा कि आपका अगर एक पैंडल को मारे और एक पैंडल इधर छटक गया, एक पैंडल इधर छटक दिया, तो क्या होगा उसमें एक ही ब्रेक आपका काम करेगा तो ट्रैक्टर घूम जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है रोड के ऊपर, ठीक है। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज छोटा सा मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर एक किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही है, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।